हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं टीवीएस राइडर और ये ब्लैक पैंथर सुपर स्क्वाड एडिशन होने वाला है। फुल डिटेल वीडियो होगा और आप जानेंगे इस वीडियो में कि 2024 में क्या कुछ नया मिलता है इस टीवीएस राइडर में। तो शुरू करते हैं। पहले तो अपन बैजिंग्स देख लेते हैं। बैजिंग्स में सबसे पहले फ्यूल टैंक में नजर जाती है तो आपको दिखता है ब्लैक पैंथर का मास्क। यहाँ पे आपको सुपर स्क्वाड एडिशन की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। टीवीएस राइडर की बैजिंग इसके साइड पैनल पे 66 की बैजिंग, और 66 का क्या मतलब है वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। टीवीएस की बैजिंग इसके इंजन के ऊपर और ब्लैक पैंथर वाले ग्राफिक्स आपको इसके इंजन काउल पे भी देखने को मिल जाएंगे। फ्यूल टैंक वाली फेयरिंग पे भी आपको ब्लैक पैंथर के ग्राफिक्स। टीवीएस का घोड़ा जो कि 3D में है सैटन ग्रे कलर का है। सेटन ग्रे कलर मतलब एक तरह से सिल्वर कलर ही होता है, लेकिन ये 3D में है, आप इसे टच करके फील भी कर सकते हैं। फ्यूल टैंक की कैप पे E20 की बैजिंग मिल जाएगी, और जो चीज़ मैंने आपको इस साइड पे दिखाई सेम चीज़ आपको दूसरे पैनल पे भी देखने को मिलेगी। इसकी हेडलाइट पे आपको एवेंजर्स का ए, साथ ही यहाँ पे ब्लैक पैंथर के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। इसके फ्रंट मडगार्ड पे भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे ब्लैक पैंथर वाले। सामने से देखने पर हेडलाइट के ऊपर आपको राइडर का आर जो कि इसका लोगो है वो यहाँ पे दिख जाएगा, ये स्टिकर है। टीवीएस की बैजिंग जो कि 3D में है सेटन ग्रे कलर का, आप इसे टच करके फील कर सकते हो। हेडलाइट की दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे इंडिया का फ्लैग मिल जाएगा, ये एक ही साइड पे होता है। बाकी सेम चीज़ होने वाली है इस साइड से भी देखने पर, सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं। यहाँ पे इस साइड पे आपको टीवीएस इंटेलीगो की बैजिंग मिल जाती है। और अगर अपन पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर का मास्क और वकांडा फॉरएवर की बैजिंग मिल जाएगी। साथ में कुछ ग्राफिक्स भी हैं जो कि वकांडा मूवी से ली गई है। टेल सेक्शन पे भी आपको टीवीएस का स्टिकर देखने को मिलेगा। और एक चीज हो सकता है आप जब बाइक को सामने से देखें तो मिस कर दें, इसकी सीट पे भी आपको एवेंजर्स का ए देखने को मिलेगा। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आपको टीवीएस का घोड़ा बना दिखेगा जो कि एक स्टिकर है इस, और इसकी स्क्रीन के अंदर एम्बेडेड है। दूसरा, इसके टेल सेक्शन पर ही आपको इस पे कुछ ग्राफिक्स बने हुए दिखेंगे, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे ही देखने को मिलेगा। और सेम ग्राफिक आपको इसके फ्यूल टैंक वाले काउल पे ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेगा, ये भी बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे ही मिलेगा, इस यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा है यहाँ पे। और इसमें जो मिरर है उसमें भी आपको कुछ कार्बन फाइबर जैसा टेक्सचर भी देखने को मिलेगा। ये कार्बन फाइबर नहीं है, सिर्फ टेक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको यहाँ पे 66 की बैजिंग दिखाई थी, वो इसलिए है क्योंकि ब्लैक पैंथर जो कि मार्वल का एक कैरेक्टर है उसकी कॉमिक्स आती थी, जो कि पहला एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1966 में। तो यहाँ पे जो 66 की बैजिंग है वो इसके फर्स्ट पब्लिकेशन को दिखाता है। अब अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइट देखते हैं जो कि 3 कंपार्टमेंट में बटी हुई है। ऊपर की तरफ 2 डीपर की लाइट और एक नीचे की तरफ अपर की लाइट होने वाली है। व्हाइट कलर में जो आप लाइन देख रहे हैं कर्व्स के साथ, ये इसके DRLs होने वाले हैं। इसमें आपको LED टेक की बैजिंग्स नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको हेलोजन के इंडिकेटर मिलने वाले हैं। अब अपन इसके रियर सेक्शन में देखते हैं। रियर सेक्शन में आपको जैसा कि अपन ने सेम डिजाइन DRLs में देखे थे उसी डिजाइन में यहाँ पे आपको टेल लाइट और ब्रेक लाइट मिल जाती है, और ये LED लाइट का सेटअप होगा। लेकिन रियर में भी आपको इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है जिससे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट किया जाता है, ये भी हेलोजन बल्ब वाला होने वाला है। अब अपन इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे जो कि फुल्ली डिजिटल LCD स्क्रीन वाला होने वाला है। तो इसमें आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन दिखेगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो एनिमेशन में सबसे पहले इसका जो घोड़ा है वो एल्यूमिनेट होता है, फिर इसकी स्क्रीन जो है एल्यूमिनेट होती है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको हेलमेट का रिमाइंडर मिल जाता है कि आपको पहनना चाहिए। यहाँ पे ऊपर की तरफ RPM मीटर मिल जाता है जो कि 9000 तक जाता है। यहाँ पे आपको गियर पोजीशनिंग देखने को मिल जाएगी, टाइम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हैं पर आर कितनी स्पीड पे रन कर रहे हैं। न्यूट्रल का N यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप पावर लिखा देख सकते हैं। इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं, इको और पावर, जिसे आप इस बटन की मदद से जो कि इसके इको और पावर को स्विच करने के लिए है आप इजिली कर सकते हैं। देखिएगा मैं इसे इको मोड पे कर रहा हूँ, तो ये इको मोड पे आ गया। यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट मिल जाती है, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे फ्यूल लेवल देख सकते हैं आप, और यहाँ पे फ्यूल लो फ्यूल अगर होगा तो यहाँ पे ये फ्यूल टैंक वाला जो लोगो है ये भी एल्यूमिनेट हो जाता है। अब अपन इसके स्विचेस देखेंगे तो राइट हैंड पे आपको इको और पावर मोड के लिए बटन मिलेगा, साथ ही एक सेल्फ स्टार्ट बटन भी मिलेगा।
और इसमें आपको किक नहीं मिलती है, तो इन केस अगर आपका सेल्फ काम नहीं कर रहा है किसी भी कारणवश, तो आप इस बाइक को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको अंत तक बने रहना है। वहीं अगर अपन लेफ्ट हैंड स्विचेस पे देखें, इसके लेफ्ट हैंड पे आपको पास बटन मिलेगा जो कि येलो कलर में है, ब्लैक कलर में आपको अपर डिपर के लिए स्विच मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर का स्विच भी मिलेगा जो कि बहुत ही डिसेंट सी क्वालिटी का है, यहाँ पे आपको हॉर्न बटन भी मिल जाता है, और हॉर्न की आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। इसके लिए चाबी ऑन करते हैं और मैं थोड़ा हॉर्न के पास चला जाता हूँ, कुछ इस तरह का हॉर्न भी मिल जाता है। यहाँ पे आप जब गाड़ी चलाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका कंफर्ट, जो कि इसके टायर, सस्पेंशन और ब्रेक से मिलता है। तो अपन सबसे पहले इसके टायर प्रोफाइल को देखते हैं, जो कि 80x100 का मिलता है। फ्रंट में 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, जो कि काफी स्टैंडर्ड हो चुका है, हर बाइक में आपको 17 इंच का मिलेगा। कुछ बाइक है जिनमें आपको 18 इंच के भी मिलेंगे, जो कि कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें आपको TVS कंपनी के ही ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। सस्पेंशन आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक मिलेगा, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, लेकिन TVS में आपको ABS इस सेगमेंट में 125 के सेगमेंट में नहीं देखने को मिलेगा। अब इसके रियर टायर में देखते हैं, तो अब रियर में देखते हैं तो रियर में आपको 100x90 के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, सेम TVS कंपनी से आते हैं। 17 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा जैसा कि अपन ने फ्रंट में देखा, क्योंकि रियर टायर आपको चौड़ा मिलता है तो आपको ग्रिप अच्छी मिल जाती है रोड पे राइड करते हुए। रियर में आपको TVS राइडर में सिर्फ ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन मिलता है, और सस्पेंशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसके साइड पैनल के बीच में इसे छुपा दिया गया है। आप इस सस्पेंशन का निचला हिस्सा जरूर देख सकते हैं, जिसे आप मल्टीपल लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी स्प्रिंग देखनी है तो इसके लिए आपको इस साइड पैनल, दूसरे साइड पैनल से यहाँ पे गैप मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं, जो कि मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। इस साइड पे, राइट साइड पे आप इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड पे आपको एक गैप मिलेगा इसी जगह पे, जहां से आप इस सस्पेंशन के स्प्रिंग्स को देख सकते हैं। और अब इसके कुछ फीचर्स भी बता देता हूं जो आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसा कि इसमें साड़ी गार्ड मिल जाता है लेडी फुटरेस्ट के साथ। ये एक ही पार्ट है, साड़ी गार्ड और साइड फुटरेस्ट जो है लेडीज का, ये एक ही पार्ट है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे चैन कवर मिलेगा जो कि फाइबर का है, डिसेंट सी क्वालिटी है, बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा। नीचे की तरफ से ये चैन कवर नहीं है, बस ऊपर का हिस्सा ही इसने कवर कर रखा है। फुटरेस्ट यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के मिलेंगे, और बहुत ही प्रीमियम फील करवा रहा है जब मैं इसे ऑन ऑफ कर रहा हूँ। वहीं जो राइडर वाले फुटरेस्ट हैं वो भी एल्यूमिनियम के हैं, लेकिन इस पर आपको रबड़ की पैडिंग मिल जाती है। और 2024 में अब आपको क्या बेहतर मिलेगा, वो है इसकी सीट। 2024 में इसकी कुशनिंग बहुत ही बढ़िया कर दी गई है, जो बैठने में आपको बहुत ही प्रीमियम और सोफे जैसी फीलिंग करवाने वाला है। आप इसकी थिकनेस से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी ज्यादा इंप्रूव की गई है, और मुझे तो बहुत ही मजा आया जब मैंने इसे अभी शोरूम से निकाल के यहाँ तक लाया, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। सीट का कम्फर्ट जो था नेक्स्ट लेवल था। वहीं पिलियन जो सीट है उसकी भी सीट थोड़ी सी इंप्रूव की गई है, लेकिन राइडर की सीट तो नेक्स्ट लेवल पे है, और मार्केट में मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया सीट कंफर्ट आपको कोई और बाइक में मिलता है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको 2024 में बेस्ट मिलने वाली है इस सेगमेंट में। यहाँ पे ग्रैब रेल आपको सेम मिलेगा, और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि मुझे इसका ग्रैब रेल का जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा यूनिक और अच्छा लगता है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है, और जब आप यहाँ से यहाँ तक नजर डालेंगे तो ये वाला हिस्सा आपको ऐसा लगेगा कि ये अलग है, और ग्रैब रेल से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ग्रैब रेल यहाँ से शुरू होकर पूरा एंड तक जाती है, और प्रैक्टिकली इसे पकड़ना भी बहुत ही इजी है। आप आसानी से इसे पकड़ के, इनके साथ आपको इस तरह से उठाना है तो आप उठा सकते हो और साइड में रख भी सकते हो, तो ये चीजें इजी हो जाती है अच्छे ग्रैब रेल की वजह से। और अभी मैं इसका इंजन स्टार्ट करके आपको इसका साउंड भी सुना देता हूँ। मैंने इसकी चाबी ऑन कर दी है, अब मैं सेल्फ देने वाला हूँ। दो चीज़ें जो मैंने अभी नोटिस की इसके साउंड में और इसके सेल्फ में, पहला तो ये बहुत ही साइलेंट स्टार्ट है, जो स्टार्टर मोटर है उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, सीधे इंजन की आवाज़ ही आपको आने वाली है, और इनिशियल जो साउंड है वो बहुत ही प्रीमियम फील करवाता है, लेकिन जब आप इसे रेस करते हो न्यूट्रल पे खड़ी करके, अगर आप ये गाड़ी न्यूट्रल पे है फिर एक्सीलेट करते हो, तो इसका जो साउंड है वो आपके कानों को चुभने वाला है। लेकिन जब मैंने इसको शोरूम से निकाल के यहाँ तक लाया, चला के लाया और गियर में लगाने के बाद, इसका जो साउंड था वो काफ़ी स्मूथ था,
जब गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी हुई है तो इसका साउंड आपके कानों को चुभेगा। ये अच्छी चीज है एक्चुअल में, क्योंकि जब आप खड़े होगे न्यूट्रल में करके आप इसको एक्सीलेट नहीं करोगे तो ये आपकी गाड़ी की हेल्थ के लिए भी अच्छा है और नॉइस पॉल्यूशन भी आप नहीं करोगे क्योंकि ये आपको ही चुभने वाला है। और वैसे भी ज्यादातर गाड़ियों में ऐसा ही होता है, लेकिन इसका जो न्यूट्रल साउंड है न्यूट्रल गियर पे वो बहुत ही ज्यादा कानों को चुभ रहा है। तो अब बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको मिलता है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 3 वॉल्व एयर कूल्ड इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 11.2 bhp की और टॉर्क जनरेट कर देता है 11.2 nm का। तो पावर और टॉर्क इसमें आपको सेम फ्रीक्वेंसी और सेम नंबर के मिलने वाले हैं। राइडिंग एक्सपीरियंस जो राइडर्स हैं आपको बताएंगे कि बहुत ही प्रीमियम है, आपको ऐसा लगेगा कि आप 160 या 180 सीसी की बाइक राइड कर रहे हैं। इसके माइलेज की बात करें तो ARAI रिपोर्ट के अनुसार ये 58 km/l का माइलेज देती है और ऑनर रिपोर्ट के हिसाब से ये 56 km/l का माइलेज निकाल के दे रही है। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 99 km/h की स्पीड मिल जाती है। इसमें आपको दो राइडिंग मोड मिलेंगे राइड करने के लिए। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस बार आपको इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें आपको 1.6 लीटर रिजर्व में रखना होगा। और मैंने अभी फ्यूल टैंक के ऊपर इसका चार्जिंग पोर्ट भी देखा, यहाँ पे आपको USB टाइप ए चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। और जब आप इस पोजीशन पे बैठते हैं तो आपको बहुत ही कमांडिंग फील होता है। हैंडल काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, लीवर इसमें एल्यूमिनियम के मिल जाते हैं ब्रेक और क्लच वाले, तो आपको ये भी चीज़ बहुत ही प्रीमियम फील करवाती है और एक सॉलिड फील भी आता है कि आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाली है। यहाँ पे आपको ट्यूबलर फ्रेम वाला हैंडल बार मिलेगा जिसपे आप बहुत सारे अटैचमेंट्स लगा सकते हो, लाइट के स्विचेस हो गए, हॉर्न के स्विचेस हो गए, ऐसे बहुत सारी एक्सेसरीज यहाँ पे लगवा सकते हो, मोबाइल माउंट हो गया, ये सारी चीज़ें लगाने के लिए बहुत सारे जगह मिल जाती है इसके हैंडल बार पे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को अपने प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।